एक बड़ी विस्तृत चर्चा रही है, वो अभी थोड़े समय पहले लगभग डेढ़ घंटा गोष्ठी चली, तो सारी बात को फिर से दोबारा दोहराना शायद संभव भी ना हो, लेकिन मोटे तौर पर एक आदमी दूर रखकर यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार का विचार है तो उसका स्वागत रहेगा। मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि ये चूंकि 10वां बजट था मोदी सरकार का, सभा के वर्ष 10 के 10 बजट में मुझे स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहने का अवसर रहा, बिगिनिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट वोट ऑन अकाउंट्स जो प्रेजेंटेड इमीडिएटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओवर 2014 बाई देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। अगर आप इन सारे 10 के 10 बजट्स को देखेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें एक निरंतरता है, एक कंसिस्टेंसी है, एंड देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन अप्रोच, देयर इज कन्विक्शन इन अप्रोच, देयर इज ऑल्सो करेज इन अप्रोच। सो आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग दीज थ्री सीज आर द कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर इन ईच ऑफ द सक्सेसिव बजट्स, एंड ईच सक्सेसिव बजट हैज अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड इंडिया फॉरवर्ड टूवर्ड्स अज्यूमिंग अ ग्लोबल रोल। और इस बजट को जहाँ एक और आप कह सकते हैं कि दशक का बजट है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इट इज़ इंडियाज डेकेड 2021 से लेकर के 2030 तक टेक की डेकेड भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है, 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का। एंड वेन दिस डेकेड एंडिंग इन 2030 विल प्लेस इंडिया इन द फ्रंट लाइन बाई 2047 इंडिया वुड हैव ऑलरेडी अज्यूम द फ्रंट लाइन रोल। और उसी दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था का निर्माण, क्योंकि यदि हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर भी उतरना होगा। और फ्यूचरिस्टिक बजट जब आप कहते हैं तो उसके मुख्य तौर पर दो पहलुओं के, एक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ इनोवेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका ना रहती, और दूसरी तरफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल। अगर आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इसका अध्ययन गहराई से किया जाए, चाहे फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की गई, चाहे ड्रोन शक्ति है स्टार्टअप्स के लिए, सस्टेनेबल ट्राफ स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, और सड़कों के निर्माण में 25,000 किलोमीटर की सड़कें कैपेक्स की वृद्धि कर दी गई है 7.2 लाख करोड़। और जहाँ तक अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स का ताल्लुक है, अर्थ साइंस के विभाग को लगभग 2500 करोड़ एलोकेशन इन एडिशन टू 4000 करोड़ विच वॉज ऑलरेडी देर इन डीप सी मोशन। क्योंकि आपको शायद ध्यान में आया हो कि नहीं, वो भारत एक कुल मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया इंडियन ओशन। मैं भी सो ऊपर यही